हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेनी सीजन में गाड़ी को कैसे चलाएं। खास तौर पे जो बिगनर ड्राइवर होते हैं उनको अक्सर जो लुकिंग ग्लास में भी प्रॉब्लम होता है, विंडशील्ड में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि चारों तरफ बारिश होती है, बारिश में थोड़ा सा विजिबिलिटी भी लो हो जाता है, तो काफी लोगों का ये दिक्कत होता है। सुने भी होंगे कि बारिश हो रहा, बारिश के बाद आएंगे, या फिर कुछ ऐसा कुछ भी बहाना करते हैं ताकि वो बारिश में अवॉइड करते हैं गाड़ी चलाना। तो बेसिकली आज इसी चीज के बारे में टोटल डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक बिगनर ड्राइवर भी इजिली बारिश में गाड़ी चला सकता है, और क्या क्या मेजर फैक्टर्स है, क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए जब भी आप गाड़ी को बारिश में चलाने वाले हैं, जब भी रेनी सीजन में गाड़ी को चलाने वाले। तो हमेशा दो चार पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं कि उसको हमेशा ध्यान में जरूर रखना। तो मेक श्योर इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि अभी मौसम आप देख रहे हैं कि अभी रेनी सीजन का नहीं है, बट फिर भी बारिश हो रही है चारों तरफ, कभी भी बारिश हो सकती है। तो जो हमारे जो बिगनर ड्राइवर है तो उसको काफी दिक्कत होती है, क्योंकि देख सकते हैं कि आप विजिबिलिटी कुछ भी ना के बराबर है, बहुत हद तक क्लियर विजिबिलिटी नहीं है। अच्छा, जो बाहर की जो ओआरवी है उसमें भी बारिश का बूंद जाने से वो उसका भी जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत काफी कम हो जाती है। ओवरऑल जो आपका रोड का एक्सपीरियंस है वो काफी खराब हो जाती है, और नाइट में तो और ज्यादा बुरी हो जाती है। तो बेसिकली आज इसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ वही है, बस आपको एक चीज याद रखना है कि गाड़ी का जो विंडशील्ड है, ठीक है, उसमें प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। और वो क्लीन कैसे करेंगे, जब इसका वाइपर में वॉशर जो होता है उसमें शैम्पू हमेशा यूज करें। जैसे देखिए, मैं शैम्पू यूज किया हूँ, ये देखिए शैम्पू निकला, तो अब मैं यहाँ से वाइपर चलाऊंगा, देखिए, ठीक है, ये क्लीन हो रहा। बट यहाँ पे देखिए, ये तो बाहर से क्लीन हो गया, बट ये देखिए अंदर से, देखिए ये जो फॉग आ जा रहा है, ठीक है, इसको कैसे क्लीन करें, इसका दो कारण है। देखिए, पहला तो आप ये थोड़ा सा विंडो डाउन करके चलाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, और अगर विंडो डाउन नहीं करना है, आपको बारिश का बूंद ज्यादा आ रहा है, तो आप विंडो को पूरा चढ़ा ले, ठीक है, पूरा चढ़ा ले। और गाड़ी का जो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है, इसको आप जो एसी के जो सर्कुलेटिंग मोड है इसको आप यहाँ से सीधा लास्ट में कर दे यहाँ पे, ठीक है, आप इस टाइप का। इसमें क्या होगा, जो यहाँ से देखिए एयर निकलेगा तो कितना जल्दी क्लीन हो जाएगा, देखिए, ठीक है, यहाँ से देखिए, देखिए ये मैंने ब्लोवर ऑन किया, ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ से ये जो पॉइंट देख रहा ना, ये चीज कैसे क्लीन होता है, देखिए, आप ज्यादा नहीं 2 मिनट लगेगा ये पूरा विंडशील्ड को क्लीन करने में, ठीक है। और अगर ज्यादा जल्दी करना है तो ये जो इंटेक मोड है, फ्रेश इंटेक मोड है, इसको आप ऑन कर ले, ये बाहर का नॉर्मल टेम्परेचर को खींच लेगा। देखिए अभी विजिबिलिटी देखिए बढ़ रहा धीरे धीरे, देखिए यहाँ देखिए धीरे धीरे कैसे गायब हो रहा है, जो आगे का जो कुहासा है, जो फॉग है, पानी का जो इसमें देखिए ये जो है फॉग, ये निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने फ्रेश एयर इंटेक मोड को इंटेक किया है, तो नॉर्मल जो टेम्परेचर है बाहर का उसको अंदर लेके इसको तुरंत क्लीन, जैसे आप देख सकते हैं कितना जल्दी क्लीन हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि विंडशील्ड वगैरह जितना भी है सब आपको पहले क्लीन रखना है, उसके बाद गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया। देखिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा, सारा क्लीन हो गया, ठीक है, आप बाहर का देख रहे हैं, अभी यहाँ पे देखिए कहीं पे भी कुछ नहीं है, है ना, ये पूरा क्लीन हो गया। हाथ लगाने का जरूरत नहीं है, नहीं कुछ कपड़ा करने का, बस आपको यही सारा चीज कुछ यूज करना है। देखिए कितना आराम से क्लीन हो गया, आप चाहे तो इसको आप कम करके भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिर्फ अभी ब्लोवर ऑन किया था, ठीक है, अभी देखिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, अब मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ, अब मैं आपको रोड पे सीधा चल के दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे आपको क्या क्या चीज को यूज करना है। तो देखिए वाइपर में भी बेसिकली 2 से 3 मोड रहता है, कोई एकदम स्टार्टिंग गाड़ी तो उसमें 2 मोड रहते हैं, और जैसे इसमें इको है तो इसमें 2 मोड है, देखिए एक मोड की है तो ये इसका स्पीड देखिए, ठीक है, और दूसरा मोड ये देखिए, तो बेसिकली ये 2 मोड रहते हैं, लेकिन कई गाड़ी में 3 मोड रहते हैं, किसी में 4 रहते हैं, तो वो अपने गाड़ी के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली एक जो पहला वाला मोड है मैंने इसको ऑन कर लिया, ठीक है, ये चलते रहेगा, इसको बंद मत कीजिए क्योंकि बारिश का बूंद आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से मैं 1 नंबर लगा के धीरे 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 निकल रहा हूँ, बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, जहाँ पे इस टाइप का बारिश का बूंद ज्यादा जमा हो, ठीक है, वहां पे आपको गाड़ी ओवर स्पीड में पार नहीं करना, उससे क्या था वो जो व्हील का जो ट्रैक्शन होता है वो कंट्रोल ट्रैक्शन खो देता है, तो उससे जो स्टेयरिंग का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। तो कई बार इससे भी एक्सीडेंट काफी हुआ कि हाई स्पीड में कहीं पे हाईवे में बारिश का पानी ज्यादा जमा होने के कारण, वो ट्रैक्शन खोने के कारण स्टेयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि कहीं पे भी जाके डिवाइडर वगैरह में एक्सीडेंट हो गया। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पे बारिश का बूंद ज्यादा जमा हो गया वहां पे आपको स्पीड ड्राइव नहीं करना, एकदम स्लो पार करना, उससे आपका भी फायदा है कि कुछ इसके अंदर अगर कुछ कोई जो थोड़ा बहुत स्टोन है, गिट्टी वगैरह कुछ भी हो, तो उससे आपका गाड़ी को नुकसान ना हो अगर वो जंप करता है तो, ठीक है।
तो बेसिकली देखिए यहाँ पे मैं किस तरह से अभी बारिश का बूंद है यहाँ पे निकाला। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है बारिश में वो होता है ब्रेकिंग का, ठीक है। जो ब्रेकिंग का जो डिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, क्योंकि वेट एरिया है, पूरा भींगा है, तो जो ट्रैक्शन ठीक से व्हील को नहीं मिल पाता, इसके कारण जो गाड़ी का जो ब्रेकिंग का डिस्टेंस वो बढ़ जाता है। सपोज अगर नॉर्मल सीजन में वहां पे गाड़ी जाकर रुकेगा तो उससे 10 मीटर 5 मीटर और आगे रुक जाएगा, अगर स्पीड में रहेगा गाड़ी तो उससे काफी 20% 30% का वो बढ़ जाता है डिस्टेंस। हमेशा याद रखिएगा कि ब्रेकिंग भी आपको उसी हिसाब से लगाना है और आपको गाड़ी उसी हिसाब से स्पीड चलाना है कि मुझे अगर वहां पे रोकनी है गाड़ी तो मैं यहां से ब्रेक मारूं तो वहां तक जा करके रुक जाए, ठीक है। अदरवाइज आप स्पीड में गाड़ी नॉर्मल डेज की तरह चलाएंगे तो आपका ब्रेक मारते मारते पता चला आप उसको हीट कर दिए, ब्रेक नहीं लगा। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो ब्रेकिंग में भी होता है। और देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का था जब रोड, देखिए ये जो रोड गीली होने के कारण इसमें जो लाइट आती है ना वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो आपको रिफ्लेक्शन बढ़िया से नहीं मिल पाती, ठीक है। तो मैं जैसे आप यहाँ से लेफ्ट इंडिकेटर देखिए, मैं यहाँ रोड पे आया, देखिए यहाँ पे जो है ना लाइट के जो इंडिकेटर जो रिफ्लेक्शन होती है वो आपको बढ़िया से नहीं मिल पाती। तो आप देखे होंगे कि रेनी सीजन में कितना भी लाइट रहे आपको डल लगता है, अंधेरा लगता है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि लाइट आपको यूज तो करना है बट ऐसा समझना है कि आपको स्पीड कंट्रोल में रहे, क्योंकि लाइट का बहुत हद तक आपको समझ में नहीं आएगा, खासतौर पर नॉर्मल गाड़ियों में। हाँ बहुत ज्यादा आपने लाइट का काम करवा रखा है, बहुत ज्यादा हेलोजन वगैरह यूज किया हुआ, अच्छी क्वालिटी का लाइट का आपने एक्सेसरीज वगैरह में कुछ लगा चुके हैं तो आपको उतना हद तक दिक्कत नहीं होगा, बट नॉर्मल जितनी भी गाड़ियां आपको प्रॉब्लम होनी होने वाली है, क्योंकि जो रोड होती है वो गीली होने के बाद देख सकते हैं कैसे ब्लैक सरफेस हो गया, तो उसमें जितना भी लाइट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता बढ़िया ठीक ठाक से, तो आपको ठीक से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, काफी कम हो जाती है नॉर्मल ब्लैक की वजह से। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। और जितने भी ओवरटेक हो, खास करके आप ओवरटेक को अवॉइड करें, क्योंकि ओवरटेक में होता है क्या है कि जब आप ओवरटेक कर रहे हैं और इनकेस ब्रेक लगाना पड़ेगा तो आपको स्कीड भी कर सकता है, आपको ठीक टाइम से ब्रेक भी नहीं लग सकता है। तो इसीलिए जहां भी बारिश हो आप एक लेन बना के चले, क्योंकि अभी तो बारिश यहाँ पे जैसे रुक गई है तो आपको यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ा बहुत दिख भी रही है, बट जहां पे कंटिन्यूअस बारिश होगी ना तो आपको विजिबिलिटी भी बढ़िया से नहीं आएगी, तो हो सकता है वहां से कोई और तेज गाड़ी आ रही है रफ्तार जो आपको गाड़ी को हीट कर सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओवरटेकिंग आपको सोच समझ के करना है, ओवरटेक में ज्यादा नहीं करना है, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो वहां पे छोड़ दे। देखिए यहाँ पे चारों तरफ से गाड़ी आ रही है, मैं सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ वो भी मार्केट एरिया में, तो मैं यहाँ पे आराम से एक गाड़ी के पीछे चल रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ से ओवरटेक कर सकता हूँ इजिली, बट मैं अभी ओवरटेक नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी चारों तरफ से गाड़ी लगी हुई है और रास्ता भी बहुत कम है, ठीक है। तो आप बस अपने लेन पे ही चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और क्या है कि आपको नॉर्मल पासिंग वगैरह का। और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ पे अगर बारिश का एरिया हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने भी अभी नहीं जलाया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पार्किंग लाइट होती है एक बार ऑन कीजिए, जैसे ये सारा जो लाइट है आगे में जो छोटा वाला लाइट होता है वो जल जाता है, तो इस चीज को हमेशा यूज करें, ये जला ले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो इमरजेंसी लाइट जो होती है हैजार्ड लाइट उसको ऑन कर लेते हैं जिससे चारों इंडिकेटर उनका जल जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हैजार्ड लाइट का मतलब क्या होता है ना कि हैजार्ड लाइट का मतलब है कि गाड़ी में कुछ फॉल्ट हो गया, गाड़ी प्रॉब्लम होगी, जब गाड़ी खड़ी हो जाती है तब उसको यूज करने का है, अदरवाइज उसको यूज नहीं किया जाता है ऐसे नॉर्मल गाड़ी चलाते वक्त, ठीक है। आप कई जगह में जाएंगे तो उसमें फाइन भी लग सकता, तो आप उसका यूज सही तरीके से करें जब आपका जरूरत हो हैजार्ड लाइट यूज करने का, तभी करें जब आपका कुछ गाड़ी में फॉल्ट हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, कहीं पर रोड पे खड़ी करना हो तो आप यूज करें, अदरवाइज आप इसका नॉर्मल पार्किंग लाइट यूज करें, जो छोटा वाला लाइट होता है उसको पार्किंग, जैसे आगे वो ऑटो में देख सकते हैं छोटा वाला लाइट जाता है उसको यूज करें, उसी तरह से आपका हेडलाइट में भी है और पीछे का भी स्टॉप लाइट में भी है, ठीक है। तो इसको एक बार आप नॉब को ऑन करेंगे तो हैजार्ड लाइट ऑन हो जाएगा, अदरवाइज अगर आपको ज्यादा अंधेरा लग रहा है, ज्यादा मीन्स रात का समय, तो आप सबसे बेहतर है कि हेडलाइट ही ऑन कर ले, जैसे अभी आप गाड़ी में देख सकते होंगे पीछे वाले बोलेरो कैसे किया लाइट ऑन करके, तो ऐसा भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग आपके जैसा समझ में आ रहा है, ठीक है। बट हैजार्ड लाइट को इग्नोर करें, हैजार्ड लाइट को यूज ना करें इस केस में। और फ्रेंड्स जब भी आप सिटी एरियाज में पार करें तो हॉर्न का यूज पूरा प्रॉपर ढंग से करें, क्योंकि जहाँ पे मार्केट एरियाज होते हैं वहाँ पे इस तरह से रोड साइड बहुत सारे आप शॉप्स देखे होंगे, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल स्टॉल्स वगैरह देखे होंगे, उससे क्या होता है कि लोग सब्जी खरीदने या फिर कुछ खरीदने की वजह से इधर उधर ध्यान नहीं दे पाते, रोड में प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते, उससे कारण अक्सर अचानक से कोई भी आपके मेन रोड में सामने आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को मेंटेन रखिए स्पीड को, ताकि आपको कोई आ भी जाए तो आप इमरजेंसी ब्रेक लगा के गाड़ी को कंट्रोल कर सके। तो फ्रेंड्स अब मैं बताऊंगा कि जैसे देखिए अब यहाँ पे बारिश भी मौसम है, आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। अब मुझे सपोज यहाँ से यू टर्न लेना है, मैं रोड की इस साइड में, देखिए उधर से कुछ भी नहीं आ रही, मुझे वहां से दिखाई नहीं दे रही आगे क्या आ रहा है,
तो इस केस में ऐसा बिल्कुल भी गलती ना करें जब तक आपको आगे से कम 400 से 500 मीटर का रास्ता आपको क्लियर नहीं दिखा दे तब, क्योंकि बारिश का टाइम है और उधर से यू देखिए टर्निंग है तो अक्सर गाड़ी स्पीड में आती है। तो आप क्या करें, थोड़ा सा गाड़ी को और आगे बढ़ा लें अगर पॉसिबल हो, या तो फिर पीछे कर लें जैसा आप। मैं थोड़ा सा देखिए यहाँ से आगे बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से देखिए यहाँ से मुझे अच्छा खासा विजिबिलिटी वहां से शो हो रहा, देखिए ठीक है, मुझे यहाँ से आराम से 400-500 मीटर का विजिबिलिटी शो हो रहा। अब यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर देख करके अब मैं गाड़ी को देखिए यहाँ से टर्न कर रहा हूँ, और यहाँ से एक फायदा हुआ कि मैं एक बार में टर्न कर लिया। कोशिश करें कि इस तरह के सिचुएशन में आप एक ही तरह का यूज करें, अगर थोड़ा सा रास्ता आगे चौड़ी हो तो वहां से यू टर्न ले लें, ताकि एक बार में आपका गाड़ी पूरा बैक नहीं करना पड़े, एक बार में टर्न हो जाए, ठीक है। तो हमेशा ऐसे यूज करें, सेम आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि गाड़ी का स्पीड मैंने देखिए अभी 40 से ज्यादा चलाया नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है सिटी का एरिया में 40। देखिए वो गाड़ी कैसे आ रही, बिना इंडिकेटर देखिए, आप इसको हॉर्न दे देखिए कैसे आ गया, तो वैसा ही गाड़ी आएगा, देखिए अभी भी आया। तो आपको यूज करना, मैं हॉर्न दिया नहीं माना फिर मैं छोड़ दिया, चलो उसी को जाने दो, तो ऐसा होगा। आप हॉर्न देंगे कोई जरूरी नहीं कि वो आगे आ जाए, सामने वाले पर्सन आपका हॉर्न को समझ जाए, वो जबरदस्ती भी करेगा तो ध्यान आपको देना है, ठीक है। अगेन देखिए जैसे आप देख रहे हैं वेजिटेबल मार्केट एरिया है, यहाँ पे कोई भी बाइक कभी भी किधर से भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो आपको बस उसी हिसाब से अपनी स्पीड को कंट्रोल रखना है। जैसे आप सिटी से निकल जाएंगे, मार्केट एरिया से निकल जाएंगे, फिर आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आप मुझे सिंपल कमेंट करें, मैं वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।